तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराये स्वान भूत्या चकास्ति कित स्वभावाय भावाय सर्व भावं करच्छदि पंडित तु शब्द सद्य धूमचल मनो वयम गयम तत्ते वो छानी समय पावर में वो श्री केवली परमात्मा वेद विज्ञान का साथ समानता तो है ही, क्योंकि आत्मा को अजर अमर अग्नि से जलता नहीं, पानी से जलता नहीं, ऐसा तो गीता में बताया है। वेदांत में समय सार में भी ऐसा ही बताया है, लेकिन फंडामेंटल अंतर क्या है, मैं दो मिनट आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं कि ये सारी दुनिया अलग अलग है, ये अज्ञान है, सबको एक मानना ये ज्ञान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मा देह नानास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। सारी जगत ब्रह्ममय है, सिया राम मय सब जग जाने। जो आदमी इनको अलग अलग देखता है वो अज्ञानी है, और जो ये मानता है कि सब एक है वो ज्ञानी है। उनके यहाँ अपने यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि जो अनंत पदार्थ हैं उनमें से जो ये मानता है कि सब एक है, देह और आत्मा को एक मानता है, वो अज्ञानी है, और जो इनको जुदा जुदा जान लेगा वो ज्ञानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैन दर्शन भेद का विज्ञान है। फंडामेंटल अंतर दूसरा ये आता है कि आत्मा अजर अमर है, ये कहकर के भी गीता साथ में ये कहती है कि अर्जुन तू डरता क्यों है, तेरे मानने से कोई नहीं मरता है। वो तो उनकी मौत ही नक्की है, उसके हिसाब से ही मरते हैं। तो वो हिंसा की प्रेरणा देते हैं वहाँ, और अपने यहाँ कहते हैं कि जब कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है तो फिर तो अपना उपयोग उधर क्यों लगाता है। तो इस तरह बाहर से एक सा दिखाई देने पर भी दोनों में आंतरिक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। अब समयसार परमागम में उनका सारी दुनिया को दो भागों में बांटो, एक भाग में अपना आत्मा और दूसरे भाग में 29 प्रकार के भाव बताए हैं। इस समय सार के जीवाधिकार में 29 प्रकार के भाव बताए हैं, वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत। अजीवाधिकार में वो 29 के नाम गिनाए हैं, अपना भी चर्चा करेंगे तो उन्हीं बात करेंगे, लेकिन आचार्य देव ने स्वयं उनको दो ग्रुपों में बांटा। और एक का नाम रखा वर्णादि जिसमें 20 हैं, और दूसरे का नाम रखा रागादि जिसमें 9 है। ऐसे 29 प्रकार के भावों को वर्णादि और रागादि इन दो भागों में बांटा। जैसा कि दौलत राम जी ने लिखा, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वहा सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा। वर्णादि और रागादि तेने भाव को न्यारा किया, तो दो ग्रुप में उनने भी बांधा। समय सार में भी कलश है, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा। पुंसा माने भगवान आत्मा, अपने भगवान से ये वर्णादि भाव और रागादि भाव सब भिन्न ही है। ये दो ग्रुप इसलिए बांटे कि 29 कौन याद रखता है, किसको कौन चर्चा करता है, तो दो ग्रुपों में हम समझ लें। अब जो वर्णादि में जो 20 हैं उसका आधार क्या, और रागादि में जो 9 हैं उसके बंटवारे का आधार क्या। तो हमारे कर्म द्रव्य कर्म के उदय से दो तरह के फल हमारे जीवन में आते हैं। एक तो ये बाहर के संयोग मिलते हैं, और एक हमारे अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। संयोगों को बोलते हैं नो कर्म, और मोह राग द्वेष के परिणामों को बोलते हैं भाव कर्म, और ज्ञानावरण आदि है द्रव्य कर्म। तो तीन चीजें हो गई, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो अभी जो कर्म के उदय से पर पदार्थों का संयोग मिला, वो सारे संयोग का एक नाम है नो कर्म। और उन कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए उन सब का एक नाम है भाव कर्म।
अब ये जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनमें भी थोड़ा वर्गीकरण कर दें। घातिया कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वो है भाव कर्म, और अघातिया कर्मों के उदय से जो संयोग मिलते हैं वे हैं नो कर्म। अघातिया कर्मों का उदय संयोगों में निमित्त है और घातिया कर्मों का उदय विकार में निमित्त है। तो अब इन्होंने राग आदि में लिया वो भाव कर्म वाला हिस्सा, और वर्ण आदि में लिया नो कर्म वाला हिस्सा और ध्रुव कर्म वाला हिस्सा। तो वर्ण आदि जिसमें शरीर आता है, तो शास्त्रों में दो प्रकार के व्यवहार नय का वर्णन है जो इससे सीधा डायरेक्ट संबंधित है। एक का नाम है सद्भूत और एक का नाम है असद्भूत। असद्भूत व्यवहार नय जो संयोग को बताता है, जो हमें पुण्य कर्म के उदय से पाप कर्म के उदय से जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले उन सबको आत्मा के साथ जोड़ने वाला असद्भूत व्यवहार नय है, क्योंकि वो संबंध वास्तविक नहीं है, सद्भूत नहीं है, इसलिए उसका नाम है असद्भूत। और वो जिनागम में कहा गया है वो कोई साधारण बात नहीं है, उसकी बहुत उपयोगिता जिनागम में बताई है, क्योंकि यदि ये नहीं माने तो सारा चरणानुयोग पे क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि चरणानुयोग तो यही कहते हैं हाथी जीव घोड़ा जीव मक्खी मच्छर जीव इनको तुम मत मारो। अब देव और आत्मा ये दोनों मिलकर जीव कह रहा है ना, ये दोनों मिलकर जीव कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार नय को। यदि असद्भूत व्यवहार नय को सर्वथा झूठा मानोगे तो फिर ये जीव नहीं कहलाएंगे, फिर इनकी दया नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। चरणानुयोग का जो पूरा आधार है ये असद्भूत व्यवहार नय है। अभी दूसरा देखिए कि असद्भूत भी दो प्रकार का होता है, एक उपचरित एक अनुपचरित। उपचरित माने दूर का संबंध, इसे बोलते असंश्लिष्ट संबंध, और अनुपचरित माने पास का संबंध माने संश्लिष्ट संबंध। तो ये जो जितना संयोग हमें मिले हैं इनमें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दूर का एक पास का। तो दूर का माने क्या, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव दुनिया ये सब दूर के संबंधी है, और पास का अकेला शरीर है। शरीर को बोलते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से अपना है, मैं उसकी क्रिया का करता हूं, मैं उसका भोगता हूं। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव इन सब का ये मेरे है, मैं इनका करता हूं भोगता हूं, देश भी मेरा है, देश भी मेरा है। अभी इसका वर्गीकरण कैसे किया, तो उसका आधार ये है कि जिसका संबंध अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक हो उसको बोलना नजदीक का संबंध, संश्लिष्ट संबंध, अनुपचरित। और जिसका इसी भव में संयोग छूट जाए उसको बोलते हैं दूर का संबंध। तो इससे भेद विज्ञान करने में सुविधा रहती है, क्योंकि तो हमारे सामने देखता है कि हम जिंदा है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पत्नी जिंदा है, पति का स्वर्गवास हो गया, तो वियोग होता दिखता है ना, तो हम दोनों जुदे जुदे हैं स्पष्ट ज्ञान में आ जाता है। लेकिन ये शरीर का तो जन्म से लेकर मरण तक का संयोग है, हमने अपनी मौत तो हम देख नहीं सकते, इसलिए हमारा शरीर हमारी आत्मा से जुदा है इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए उन्होंने जिनका जन्म से लेकर मरण तक संबंध न छूटे, हम बंबई जाएं तो शरीर भी साथ में जाएगा, पत्नी ना जाए ऐसा हो सकता है, तो जिनका संबंध इसी भव में छूट सकता है उनको बोलते हैं उपचरित असद्भूत, और जिनका संबंध इस भव में नहीं छूटता है उनको बोलते हैं अनुपचरित असद्भूत, और वो शरीर ही एक ऐसा है। तो ये असद्भूत व्यवहार नय संयोग का ज्ञान कराने वाला है, और सद्भूत व्यवहार नय भेद का और विकार का ज्ञान कराने वाला है। रागादिक को आत्मा का कहना ये सद्भूत व्यवहार नय है, ज्ञान दर्शन चारित्र को आत्मा का कहना ये भी सद्भूत व्यवहार नय है। एक शुद्ध सद्भूत है, एक अशुद्ध सद्भूत है, एक अनुपचर सद्भूत है, एक उपचर सद्भूत है। जो निर्मल पर्याय हैं और गुण हैं, असंग प्रदेश हैं, उन्हें आत्मा का कहना शुद्ध सद्भूत यानी अनुपचर सद्भूत व्यवहार नय है, और जो राग देश मोह विकारी परिणाम हैं उन्हें आत्मा का कहना, आत्मा को उनका कर्ता कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। तो सद्भूत क्यों, क्योंकि आत्मा में है, एक्चुअल है,
ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की बाहर की चीज है, ये शरीर बाहर का चीज है, स्त्री पुत्र बाहर की चीज है, मकान जायदाद नगर देश गांव, लेकिन ये राग देश आत्मा में है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी आत्मा में है। तो ये इसको भेद व्यवहार भी बोलते हैं, क्योंकि आत्मा अखंड है, उसको भेद करके बताया, इसलिए अनंत गुण वाले को व्यवहार बोलते हैं रागादिक को। तो ये रागादिक को दूर का संबंध है, क्यों, कि ये आत्मा का विकार है, ये आत्मा को तकलीफ पहुंचाने वाला है। तो कोई दुनिया में अपने में भी पैदा हुआ हो लेकिन अपने को तकलीफ पहुंचाने वाला हो तो दुनिया में कोई उसे अपना नहीं कहता। जैसे राग शरीर है, उसमें फोड़ा हो गया तो वो शरीर का ही अंग है, क्योंकि शरीर की चीजों में से ही विकसित हुआ है, अपने आप हुआ, मतलब कोई चोट नहीं लगी, अंदर से आता ना, तो शरीर का ही अंग है, फिर भी शरीर नहीं माना जाता, शरीर का शत्रु माना जाता है, उसे हटाने की कोशिश की जाती है और शरीर को रखने की कोशिश की जाती है। यदि हम ये नहीं माने कि शरीर अलग है और फोड़ा अलग है तो हम कभी फोड़े का इलाज नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्यों, उसके साथ शरीर नष्ट हो जाएगा, तो हमें ऐसा करना नहीं है। दोनों में फर्क है, फोड़ा निकालने लायक है, शरीर निकालने लायक नहीं है, ऐसे राग निकालने लायक है, ज्ञान निकालने लायक नहीं है। ये देवी दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं, एक विकारी और एक निर्मल। तो इस तरीके से ये चार नए हैं ना व्यवहार के, इनको हम सद्भूत और असद्भूत बोलते हैं, और उनको उपचैत और अनुपचैत के भेद से ऐसे चार किए जाते हैं। तो अपने चार ग्रुप बन गए, तो एक स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और दुनिया, एक ग्रुप में इतनी चीजें आती हैं। अब थोड़ा हम विचार करें कि हमारी भाषा कितनी कमजोर है, हम बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा है, फिर बोलते हैं कि हमारा राजस्थान हमारा है, फिर बोलते हैं जयपुर हमारा है, फिर बोलते हैं चोड़ामणि स्मारक भवन हमारा है, हमारे पास एक ही शब्द है जो हमारा, बस हमारा हमारा। लेकिन इन सब बातों में वजन एक सा है क्या, जैसा हमारा हिंदुस्तान है कि वैसे ही राजस्थान है, कुछ फर्क है। रशिया के सहयोग से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 5 बड़े बड़े कारखाना खोलने का नक्की किया कि हिंदुस्तान में खोलेंगे, तो हम जन राजस्थान को एक मिलना चाहिए, क्यों भैया, हम तुम्हें 5 दे रहे हैं ना, हिंदुस्तान तुम्हारा है ना, तो एक क्यों मांग रहे, तो नहीं साहब एक राजस्थान को। तो राजस्थान में जैसा अपनापन मेरा गहराई से है, उतना अपनापन हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन शब्द हमारे पास है, हमारा हिंदुस्तान हमारा। तो जयपुर, तो अच्छा राजस्थान को एक दिया कि जयपुर में खोलना चाहिए, जोधपुर में नहीं, क्यों भैया, जोधपुर तुम्हारा नहीं है, तो जैसा जयपुर है वैसा नहीं है। फिर कोई बात आएगी तो टोडामल स्मारक, क्योंकि जैसा टोडामल स्मारक हमारा है वैसा पूरा जयपुर नहीं है। तो ऐसे हम भेद करते 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 देह तक पहुंचेंगे, तो कहने को तो हमारा ये सब हमारा एक ही शब्द है, लेकिन इनमें वजन में बहुत फर्क है। तो ये जो एक तो संयोग का ज्ञान कराने वाला ने, और एक विकार का विकारी पर्याय का ज्ञान कराने वाला ने, तो इस समय सार में क्या किया है कि इसके दो अधिकार हैं, एक जीवा जीवा अधिकार, एक कर्ता कर्म अधिकार, इन दो की बात अभी करता हूं मैं। तो ये जो आओ पंडित जी, ये जो 29 प्रकार के भाव है महाराज जी, तो ये 29 प्रकार को जिन्हें हमने वर्णादि और रागादि में बांटा है दो भागों में, तो इनके साथ में एकत्व ममत्व का संबंध तोड़ाने वाला है जीवा जीवा अधिकार। ये वही भेद, ये तू नहीं है और ये तेरे नहीं है, सिर्फ इतनी बात कर। कुल 19वीं गाथा की चर्चा मैंने पहले की थी ना, तो उसमें भी यही बात कहा कि कम्मे नो कम मम्मी अहमद मह कम च कम्मे नो कम्मम जा ये सा खलु बुद्धि अपडी बुद्धो हबदि दादे, कि कर्म में और नो कर्म में, तो कर्म माने ज्ञान वर्ण आदि, भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों राग आदि, और नो कर्म माने शरीर आदि, इनमें एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इसका नाम है अज्ञान। और जब तक ये रहेगी तब तक आत्मा अज्ञानी रहेगा। तो अब एक तो एकत्व माने ये ही मैं हूं ऐसा मानना, ममत्व माने मैं इसका स्वामी हूं ये मेरा है, कर्तृत्व माने मैं इसका कर्ता हूं, और भोक्तृत्व माने मैं इसका भोक्ता हूं। तो ऐसी जो मान्यता हमारे अंदर में पड़ी है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर शरीर के संबंध में उदाहरण दें कि शरीर से
शरीर को कि ये मैं हूं, तो कहते हम तो ऐसा कोई नहीं कहता कि शरीर मैं हूं, सब कहते हैं मेरा शरीर और मैं अलग, ऐसा बोलते हैं। ऐसे कोई अज्ञानी बताओ जगत में कि देखो है ना आपकी हाइट कितनी है, चलो तुम निशान है 5'8". अब ये हाइट आपकी है कि शरीर की है, इसका नाम है शरीर में एकत्व बुद्धि। ये वजन मेरा है, मैं बीमार हूं, ये सब हम इनडायरेक्ट वे, वैसे सीधा नहीं कहते हैं कि शरीर में मैं हूं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर में शरीर में एकत्व बुद्धि है और इसी में जीवन बीत गया, इसमें जीवन बीत गया। अब किसी तरह शास्त्रकारों ने समझाया, विद्वानों ने समझाया, संतों ने समझाया कि तुम शरीर नहीं है, तो मान लिया। तो कहता महाराज शरीर में नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा तो है ना, इतना तो है ना, इतने तो मानो। इसको बोलते ममत्व बुद्धि, तो मैं नहीं हूं लेकिन मेरा है, मैं उसका स्वामी हूं। तो भैया तू उसका स्वामी है, तो तेरी आज्ञा में चलता है। स्वामी तो उसे कहते हैं जिसकी आज्ञा में चले, एक बाल पर तो तेरा चलता नहीं है, एक काले से सफेद बाल हो गया तेरी परमिशन से हुआ है, जब तक तेरे माथे पर इसे सवार रहना है रहेगा, तो जिस दिन जाना है चला जाएगा, तू रोक नहीं सकता, काय का मालिक है। तो तू भी नहीं है और ये तेरा भी नहीं है, तू माने एकत्व बुद्धि और तेरा माने ममत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि भी कहते हैं और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। तो ये जीवाजी वारकार की 68 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि 29 प्रकार के जो वर्णादि और रागादि भाव हैं, ये तू नहीं है और ये तेरे नहीं है। 68 गाथा का मूल विषय वस्तु इतनी ही है, बाकी सब विस्तार से तो सब चर्चा है ही। फिर आगे चलते हैं कि मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है, लेकिन मैं इनका कर्ता तो मैं हूं, इनका मैं करता हूं, भोगता हूं। तो कर्ता कर्म अधिकार की 75 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि जो 29 प्रकार के जो भाव हैं वर्णादि और रागादि, तू इनका कर्ता भी नहीं है और तू इनका भोक्ता भी नहीं है। व्यवहार नए इनका कर्ता भोक्ता तेरे को कहता है और उसकी उपयोगिता भी बहुत है। उपयोगिता के बारे में 5 मिनट में पहले बोलता हूं कि व्यवहार नए की कितनी जबरदस्त उपयोगिता है। यदि हम उसको सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर का कर्ता मैं हूं, शरीर का भोक्ता मैं हूं, ये 4 चीजें ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से है। यदि नहीं माने तो ऐसा लिखा 46वीं गाथा में कि टीका में इसमें कि जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही त्रिस्थावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होती। इस समय सार की 46वीं गाथा की टीका में अमृतचंद ने लिखा है, क्यों कि इतनी दृष्टि से तो अजीब जीव है ही नहीं। तो देह और आत्मा के संयोग को जीव बोलते हैं ये व्यवहार में से, और ये इसकी उपयोगिता है कि अहिंसात्मक आचरण के लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जीवन अहिंसात्मक नहीं रहे। जैन धर्म की जो मूल चीज है अहिंसा, ऐसे ही स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि अपने नहीं माने जाए किसी भी नए से, तो सारा प्रथमान योग पर क्रॉस लग जाएगा। क्यों हम साथ में पढ़ते, ऋषभ देव के 2 बेटे थे, भरत और बाहुबली, बेटे तो कोई किसी का होता ही नहीं, उसी नए से तो है ना। स्त्री पुत्र मकान जायदाद मेरे हैं, उपचित असद्भुत व्यवहार नए से। यदि हम इसे नहीं मानेंगे तो फिर ये कहना ही संभव नहीं है कि ऋषभ देव के 2 बेटे थे, तो वो चक्रवर्ती था, क्योंकि 6 खंड की विभूति किसी की होती ही नहीं, पर तो 2 ध्रुव जुदे जुदे हैं। तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, ये सारी जो हमारी तीसरा सदा का महापुरुषों का जीवन चरित्र है, इस पर क्रॉस लगाना पड़ेगा। इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसको मैं एक शब्दों में बोलता हूं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहना ये सदव्यवहार के लिए जरूरी है। कैसे महाराज, कि यदि स्वस्त्री और परस्त्री अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय नए से तो दोनों पर है, कोई है ही नहीं देह अपनी नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, तो फिर सारी महिलाएं हमारे लिए परस्त्री ही हो गई, पर ही हो गई ना, तो पर हो गई तो अनुवृत्त नहीं बनेगी। अनुवृत्त में तो ये बोलते हैं ना कि परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का ग्रहण,
तो हमारा कोई रहा ही नहीं, तो ये दो भेद कैसे होंगे? ये तो इसी नए से है, जैसे मैंने इतना परिग्रह रखा इतना छोड़ा, ये मकान मेरा है और पड़ोस का मकान मेरा नहीं है, ये कौन से नए से है? इसी नए से है। तो फिर हम पड़ोस के दुकान पर भी मकान में घुस जाएंगे तो हमारी हालत पशुओं जैसी हो जाएगी। तो ये जो व्यवहार नए है असल भूत, ये आदमी को पशुओं जैसा नहीं बनने देता। पशुओं की प्रवृत्ति, ना वहाँ कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना भाई है, ना कोई मकान है, ना जबरदस्ती जिसको जो मिला उस पर कब्जा किया, ख्याल में है ना? ऐसा मनुष्य का भी जीवन ऐसा हो जाएगा। तो ये जो उपचरित सद्भूत व्यवहार में है वो आदमी को पशु से मनुष्य बनाता है, और जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है वो उसको अहिंसक बनाता है। इनकी बहुत उपयोगिता है इनमें। लेकिन अब एक बात रखना है कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर, इनकी उपयोगिता तो बहुत है, तो क्या इसे अनंत काल तक अपने साथ ही रखना है? क्यों स्त्री पुत्र मकान जायदाद को रखना है कि छोड़ना है, बोलो? इसको छोड़ सकते हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन यदि वो व्यवहार की बात चल रही है ना महाराज, तो यदि इसको छोड़ना है, हमें दीक्षा लेनी है, अनुविधान करने हैं, तो इस नए को हे मानना पड़ेगा। ये नए जिनको अपना कहता है उनको वे अपने नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा। इसका नाम है कुछ नए का हे, ये मान्यता में होता है, ये कोई क्रिया में थोड़ी है कि पूजा पाठ छोड़ दिया तो व्यवहार नए का हे हो गया, ऐसा नहीं है। वो नए जिन्हें अपना कहता था उनको रखकर हम मोक्ष नहीं जाएंगे, ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पेड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाएंगे। तो इन्हें छोड़ के जाना है ना, तो छोड़ के जाना है तो पहले नक्की करना पड़ेगा कि ये अपन नहीं है, अपने नहीं है तो अपने को छोड़ने में तकलीफ कम होगी, और अपने हैं और छोड़ना पड़ेगा तो दुख का कारण हो गया। तो छोड़ने के पहले ये मेरे नहीं है ये मानना पड़ेगा। अब ये मानना पड़ेगा तो जो नए इन्हें मेरा कहता है वो असत्यार्थ है, ये मानना पड़ेगा। मानते रहे गए मेरे हैं, इसका है ही नहीं तो छोड़ेगा। हाँ अब निश्चय तक की बात है, मेरा आगे वहां पहुंचेंगे, निश्चय की बात है, जो अभी व्यवहार की तरह थोड़ी है ना। तो अभी संयोग की बात हो गई है, कौन असद्भूत व्यवहार न संयोग का ज्ञान कराता है, अब सद्भूत व्यवहार न संयोगी भाव का ज्ञान कराता है। संयोगी भाव बोलते संयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव। तो कहते रागादि विकारी भाव मेरे ही है ही नहीं, जैसे अपन कहते हैं ना निन्ना भावा एव सर्वास्य पुंसा, रागादेव वर्णा देवा राग मोहा देवा सर्वे भावा भिन्न ये वास्य पुंसा। यदि है ही नहीं और हम उसके कर्ता भोक्ता नहीं है तो संसार में क्यों दिखड़ रहे, फिर कर्म का बंध क्यों हो रहा, फिर ये सारा संसार ही काल्पनिक सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो फैक्ट है ना कि वो रागादिक भाव हैं और हम उनके कर्ता हैं, तभी तो हमें कर्म का बंध हो रहा। फिर ये तो उसकी उपयोगिता हुई, मैं लंबा था नहीं हूं क्योंकि अपन को आगे बढ़ेंगे, तो ये उपयोगिता हुई। अब कहते हैं कि रागादिक भाव लेकर साथ में मोक्ष में जाओगे, ये रागादिक भाव नाश करने के लायक हैं कि नहीं, छोड़ने लायक हैं कि नहीं के हैं, तो फिर तुम ये नहीं मानोगे कि रागादिक मेरे से जुदे हैं, तो तुम रागादिक का नाश करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो आत्महत्या तो कोई करना नहीं चाहता, तो कभी रागादिक भी रहने दो, है ना। मेरे कोई तकलीफ हुई मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई साहब इसका ऑपरेशन करेंगे तो आप के बचने की कोई गारंटी नहीं है। कि कितना परसेंट, कि 2% बच सकते हो, 98% कोई गारंटी नहीं है कि रहने दे भैया, मैं बीमारी के साथ ही जी लेंगे। तो राग के नाश के साथ हमारा नाश हो जाए तो हम कहेंगे हम राग के साथ ही जी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो आचार्य बताते हैं कि बिल्कुल राग जुदा है, तू जुदा है, राग का नाश हो सकता है और तू बिल्कुल सेफ है, राग का नाश करने से तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्योंकि तुम जुदे जुदे हैं इसलिए जिस राग का करता तो उसको बताया था, अब उसको कह रहे कि तुम उससे बिल्कुल जुदा है, नहीं तो राग को हे कैसे कहेंगे।
आत्मा को उपाधि और राग को है। फिर कहते हैं राग, अभी ये राग निपटा, इसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार न। अब एक है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न, ये जगह थोड़ा सा बारीक है कि आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश है और आत्मा में जो अनंत गुण है और अनंत गुणों के निर्मल प्रणमन सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र है, केवल ज्ञान है, इतनी चीजें हैं, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नये के विषय बनती है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न इन्हें अपनी कहता है, इनका कर्ता भोक्ता भी अपने को कहता है, इनका स्वामी भी अपने को कहता है। तो अभी ये कहते हैं कि क्या आत्मा में अनंत गुण नहीं है, हैं असंख्यात प्रदेश नहीं है कि हैं, तो यही तो कहता है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। तो कहते हैं ये उनको अपना मानना जरूरी है। अब सवाल ये है कि जब तेरे दिमाग में अनंत गुण आते रहेंगे, असंख्य प्रदेश आते रहेंगे, तब आत्मा का अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि ये विकल्प की उत्पत्ति होती है और अनुभव निर्विकल्प में होता है। तो अनंत गुण नहीं आए ख्याल में, अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा ख्याल में आए, असंख्य प्रदेश ख्याल में नहीं आए, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड भगवान आत्मा ख्याल में आए। सरलता के लिए मैं बोलता हूं कि हलवा 10-5 चीजों को मिलके बनता है, बहुत स्वादिष्ट बना। अब उसमें हलवे का स्वाद लेना है तो इसमें कितना घी डाला, कितनी शक्कर डली, कितनी चीनी डली, इसका विचार छोड़ना पड़ेगा। बस तुम तो उसका मजा लो, और जब बनता कैसे है ये जानना हो तो सब चीज जाननी पड़ेगी, ख्याल में ना। इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि ये तो कंजूस के हलवे जैसा है आत्मा का अनुभव। कि कंजूस का हलवा कैसा, कि अपने घर में तो कभी हलवा बनाता नहीं है, लेकिन कभी मेहमान आ जाए और बनाना पड़े, ख्याल में है ना, तो बाजार से सब चीजें लाता है और सोचता है कि ये तो मेहमान बहुत महंगा पड़ा, 100 रुपये किलो का तो घी, इतनी चीनी, ये तो 1000 रुपये खर्च हो गए होंगे। तो जब मेहमान के खाने को बैठता है तो साथ में उसको भी बैठाता है, दोनों बैठते हैं, लेकिन मेहमान को जैसा मजा आता है उसे नहीं आता, क्योंकि वो उर भाव कटाव के विकल्प में, 1000 रुपये खर्च करने के विकल्प में रहता है। अरे भाई तुम अभी इस वक्त विकल्प छोड़, तो तेरे को हलवे का स्वाद आएगा। ऐसे अनंत गुण हैं, असंग प्रदेश हैं, इनका विकल्प तोड़, निर्विकल्प तो तेरे को आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए इस दृष्टि से इस व्यवहार नये को ही जंगल में है कहा है, लेकिन चारों एक से नहीं है। कितना फर्क है, एक तो स्त्री पुत्र मकान मेरे, सारा हिंदुस्तान मेरा कहना, और एक आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है उनको अपना कहना, दोनों में फर्क नहीं है। वे तो वास्तव में ही अपने नहीं है, सारा हिंदुस्तान तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता है, और ये गुण तो हम में हैं, और दोनों को अपने व्यवहार शब्द से प्रयोग किया गया है, इसलिए सारे धान 12 पसरी नहीं नापा जा सकता है। तो एक कर्ता का जीवाधिकार में, जीवाधिकार में वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं 29 प्रकार के, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, देखो उसमें गुणस्थान भी भाव है, तो 14 गुणस्थान आत्मा नहीं है, ऐसा वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत ऐसा शब्द मूल गाथा में आया है। तो वो इन भावों का, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इन दो बातों का निषेध जीवाधिकार की 68 गाथाओं में कहा गया, किया गया है। और फिर मैं इनका कर्ता हूं और मैं इनका भोक्ता हूं, इसका निषेध कर्ता कर्म अधिकार में किया गया। मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, थोड़ा संक्षेप में आइडिया बताना चाहता हूं। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि भैया तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। थोड़ा देखिए, एक संस्था बनाई हमने, टोटे मल स्मारक भवन बनाया, मेहनत करके खड़ा किया, तो उसे मैं हूं, मैं तो अभेद हो गया है, मैं तो पंडित होमदेन भेद ही नहीं करता हूं, सपना भी आता तो स्मारक भवन का आता, तो ऐसा मैं एकत्व स्थापित करता हूं। तो समझाया कि धोखे में मत रहना, ये बिल्कुल जुदी चीज है, तू जुदी चीज है, तू चला जाएगा ये रह जाएगा। तो मैंने मान लिया कि हाँ ये मैं नहीं हूं, लेकिन है तो मेरा ना, तो ये कैसा मेरा है, कि मैं ट्रस्टी हूं, मैं इसका अध्यक्ष हूं, मैं इसका मंत्री हूं। कि भैया ट्रस्टी का अर्थ समझता है, ट्रस्टी माने समाज ने तेरे पर ये विश्वास किया है कि तू इसकी रक्षा करेगा, इसका भोगता नहीं है। ट्रस्ट के कानून में ये नियम है कि कोई ट्रस्टी उससे अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकता। जो ट्रस्ट के जो वो है सिद्धांत, उनका प्रचार करना उसका उद्देश्य है।
तो फिर कष्ट का मतलब क्या रह गया? कष्ट करूं करूं मैं, भोगू नहीं, हाँ यही अर्थ है क्यों? तो फिर तो तू चपरासी बन के रह गया, झाड़ू लगाने वाला बन के रह गया। कि भाई बात तो ऐसी है, तुम यदि कष्टी का सही अर्थ समझते हो तो मालिक नहीं हो, कष्टी मालिक नहीं होता है। जैसे तुम अपने मकान के मालिक हो, ऐसे इस संस्था के मालिक नहीं हो। बात तो आप ठीक कहते हो। सब बीच में एक बात बता। हाँ हाँ। पुरुषोत्तमदास टंडन थे। हाँ हाँ। वो अध्यक्ष थे। हाँ कांग्रेस के। विधानसभा के। हाँ विधानसभा के। कांग्रेस के भी थे वो विधानसभा। तो दो पेन रखते थे। हाँ। एक अपने तंखे में से शहद डालते थे। और एक सरकार है काम हो तो उसमें शहद। हाँ सही बात है। देख ट्रस्टी असली ट्रस्टी। असली ट्रस्टी थे और वो नेताओं में इतनी नैतिकता थी तब देश ने आजाद हुआ। मेगाश्री जो राजदूत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, तो चाणक्य के साथ राजदूत बनने की लिखा पड़ी हुई रात को। लिखा पड़ी के बाद अब वो जाने को हुआ तो चाणक्य ने कह दिया ये दिया जला दे और पहले वाले बुझा दे। तो वो वापिस आया, बोले ऐसे क्यों? बोले ये सरकारी तेल है, सरकार का काम खत्म हुआ मेरे ध्यान में। क्या ट्रस्ट नहीं, नहीं, सही बात है, यही है आधा हो गया ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ये स्वस्थ जो कहा। हाँ। ये जीवन के दो महापुरुष थे चाणक्य और पुरुषोत्तमदास टंडन। हाँ। तो चाणक्य ने भी देश को इकट्ठा किया था और पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे लोगों के भी देश आजाद हुआ। देखो उसी से हुआ, ये सब लूट लेने खाने वालों के भरोसे कुछ नहीं होता है। हाँ तो आदर्श उनका, मतलब देश में ऐसे भी एक दो लोग हैं। हाँ चलिए, तो अभी वो बात चल रही थी कि तुम ट्रस्टी है, तुम मालिक नहीं। कैसा, मैं तो मालिक ही समझता था, अब आप कह रहे हो तो मैं समझ गया ट्रस्टी नहीं हूँ। अब उसके अंदर में जो उसका अहम लगा हुआ है क्या, तो वो कहता है साहब एक बात तो है ना, मैं ये हूँ ना मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन किया तो मैं नहीं है ना। बात ये तो आप मानोगे ना, सारी जिंदगी लगा दी महाराज, दूसरा कोई काम नहीं किया, किया तो मैंने है ना। तो ये कर्तृत्व के बहाने उस पर अपना अधिकार रखना चाहता है। तीसरा तो कर्ता कर्म अधिकार में कहा कि धोखे में मत रहना, कोई किसी का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव अपने अपने क्रिया का कर्ता स्वयं है। क्योंकि कर्ता की परिभाषा ये है, यह परिणाम तिस कर्ता यत परिणाम भवेत तत कर्मे यह परिणति क्रिया सा। कि जो परिणमित होता है वो करता है, जो परिणाम है वो कर्म है, जो परिणति है वो क्रिया है, और तीनों निश्चय से अभिन्न ही है, अभिन्न ऐसा है ना। तो बात चलती है कि तुम करता भी नहीं हूं मैं, तो कहते तुम भैया कुमार किसे कहते हैं, यहां पर जरा समझना, घबराना नहीं, कि मिट्टी का घड़ा का करता है, तू नहीं है। कि मैं निमित्त तो हूं, यहां निमित्त है लेकिन तू निमित्त भी नहीं है। इसमें देखा स्वामी गाथा में, तो क्या है तेरा योग और उपयोग निमित्त है। योग माने ये हाथों का ऐसी क्रिया हुई ना मनोरंजन काय की, और उपयोग तेरा ज्ञान भी इसमें लगा। ज्ञान राग तो मेरो मिलो करनो धरनो तनिको मिलो। तो कहते हैं ये तो मिट्टी इसका करता है, तो ये कहते हैं कि ये जो तू स्मारक होंगे कोई भी बात करता है, इसका करता तू नहीं है। आत्मा अब उसको ये लगता है महाराज कि ये तो मेरा सब लुट गया ना, ये मैं हूँ ना मैं इसका स्वामी हूँ ना मैं इसका करता हूँ, तो मैं तो कर करके मर गया, जो मोदी मस्ती से हाथ से बन रहे हैं सब बराबर हो गए ना। तो वो कहता देखो साहब एक बात बताओ, मैं इसका उपभोग तो कर सकता हूँ, यहाँ प्रवचन होता है तो मैं सुन तो सकता हूँ, मंदिर में भगवान विराजमान है तो मैं पूजन तो कर सकता हूँ, यानी उसका उपभोग करने का अधिकारी तो मैं हूँ। जो भी इसकी उपयोगिता है वो तो समाज के लिए है, तो वो उपयोग मैं करूँ तो मैं भोगता तो रहा, तो भोग तत्व के बहाने फिर अपना संबंध किसी ना किसी तरीके से कायम रखना चाहता है। भोगता तो हूं, उपयोग तो मैं कर सकता हूं, मेरे काम की तो चीज है, और मैं कोई ऐसा उपयोग नहीं करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, लाइब्रेरी है, महर्षि के प्रवचन सुनूंगा,
तो भोगता तो मैं हूं, काम तो मेरे आएगा। तो ये भोक्तृत्व के बहाने इनडायरेक्ट कर्तृत्व को थोपना चाहता है, यानी संबंध किसी ना किसी तरीके से मेरा काम रहना चाहिए। और आचार्य कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्य आत्म तत्वयो, परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध, 200 में कलश है, 199 या 200 कलश है, इसमें लगा मेरा पर के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। तो चारों का निषेध किया, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, 144 गाथा होगी, माने जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार निपट गया। तो अभी कहता लुट गया, भी तो गया। तो वो कहता महाराज एक बात बताओ कि ये जो काम हुआ है ये मैंने नहीं किया, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं स्वामी भी नहीं हूँ, ये काम तो ठीक हुआ कि नहीं, जरा आप नगाह डाल के ये बात बता दो, क्यों काम तो अच्छा हुआ कि नहीं। यानी वो क्या करता है कि आप ये कहो कि हाँ काम तो बहुत बढ़िया हुआ, एकदम एवन हुआ, बस मेरे को साफ संतों से आपने इतना तो माना कि काम अच्छा हुआ, क्योंकि वो इनडायरेक्ट में कर्तृत्व की बुद्धि है, वो इससे पोषण करता है कि काम अच्छा हुआ ना, बस ठीक है। पर तेरे को अच्छा हुआ तो क्या, वो बुरा हुआ तो क्या, जब तू उसका कर्ता भोगता है ही नहीं, स्वामी है ही नहीं, बोलिए तो उसने अच्छे बुरे का तेरे का विकल्प क्या। तो ये उस कर्म में जो पुण्य और पाप रूप कर्म है, तो कर्म में भी दो भेद करता है कि ये अच्छा कर्म और ये बुरा कर्म। कर्म तो तेरा शत्रु है, उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या मतलब, तूने किया ही नहीं है तो अच्छे बुरे, ये अच्छा और बुरा। तो ऐसे देखो अभी तक तो बताया था जीवा जीवा अधिकार, तो जीव और अजीव दोनों एक साथ एक भेष बना के आए थे नाटक में, क्या कर्ता कर्म अधिकार, जीव आया था कर्ता बन के, अजीब आया था कर्म बन के। और अब ये क्या है पुण्य पाप, इनमें तो हमको दोनों की भिन्नता बतानी थी, और पुण्य पाप में एक है तो बताना है, क्योंकि ये कर्म जो अपना शत्रु है उसमें दो भेद करके, और पुण्य कर्म मेरा मित्र है, तो शत्रु में मित्रत्व की स्थापना है, तो एक इनडायरेक्ट वे में कर्ता कर्म अधिकार की ही भूल है। क्यों, कि उसे संबंध कायम रखना है तो अच्छा कह के, इस सारे लोक में थोड़ा छोटा सा उदाहरण एक मिनट का, कि अपन गए अपने लड़के के लिए किसी लड़की को देखने, है ना, तो उन्होंने कहा एक लड़की, ये लड़की आ रही है मंदिर में, किसकी है, बहुत अच्छी लड़की है, तुम बताओ किसकी है। तो कोई ने कहा क्यों, कि मेरा अच्छा लड़का है तो ये लड़की मुझे ठीक लग रही है, बात करूंगा। तो उन्होंने कहा उसकी तो सगाई हो गई है, 8 दिन बाद शादी है, एक खत्म, एक आदमी के लिए वो काम खत्म हो गया ना। दूसरा कहता है तो भी बताओ किसकी है, किसके यहाँ शादी हुई है, वो कितना दहेज दे रहा है, उसका लड़का क्या है, एक क्यों जानकारी ले रहा है तू, कि साहब मैं उसे दोगुना पैसा दूंगा, मेरा लड़का उससे ज्यादा होशियार है, हैं? वो सब छूट जाएगी, वो पुरानी मुरानी सब खत्म हो जाएगी, तुम बताओ तो। तो ये बेईमान नहीं, जब नक्की हो गया कि उसकी सगाई हो गई, तो ज्ञानी धर्मात्मा हो तो उसको उसी वक्त उसका से उपयोग हट जाना चाहिए, फिर भी उसमें जो डिटेल जानना चाहता है ये अच्छी भावना नहीं है। ऐसे ही जब पुण्य पाप कर्म है, हम उसके कर्ता नहीं है, हम उसके भोक्ता नहीं है, वो हमारे नहीं है, हम स्वामी नहीं है, तो फिर अच्छा और बुरे का भेद करने से क्या लेना देना है, तो जो है सो है, हमें क्या लेना देना। तो उन पुण्य पाप कर्म से दोनों से विरक्त करने के लिए वो जो अंदर सा जो भेद विज्ञान की कमी थी उसको किया। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई तू बार बार पुण्य पाप कर्म के प्रति इतना रुचिवान है तो है क्यों, मुझे बता। आत्मा और आश्रम के परस्पर दो विरुद्ध पार्टी के जीव है ना, आत्मा का शत्रु है आश्रम, दुखकार घने दिन बुद्धिवंत ने निर्वेरे। तो तू ये बता कि पुण्य और पाप कर्म आश्रम है की पार्टी के हैं कि आत्मा की पार्टी के। तो शास्त्र में लिखा पुण्याश्रम पापाश्रम, पुण्याश्रम कथा कोश लिखा कि नहीं लिखा। तो ये तो पुण्य पाप तो आश्रम की जाति के हैं, पर आश्रम तो तेरा आश्रम दुखे कार घनेरे बुद्धि बनते तने नेरवेरे, आश्रम बहुत दुख देने वाले हैं, बुद्धिमान लोगों ने दूर करते हैं। तो जब दोनों आश्रम हैं तो तू ऐसा रस उसमें क्यों दिखाता है, अरे जो आश्रम से तो बंद होता है, तो ये तो बंद है आश्रम है। तो इस तरह से आश्रम से भी भेद विज्ञान, पुण्य पाप से भी भेद विज्ञान, स्त्री पुत्र से भी भेद विज्ञान, शरीर से भी भेद विज्ञान, इसका इसलिए मैं कहता हूं कि समय सार भेद विज्ञान का शास्त्र है। ठीक है, क्या टाइम हो गया, 9:30।
दोपहर में कितने बजे हम मौसम टाइम से और ये कुछ भी देरी नहीं। हाँ मैं तो बिल्कुल टाइम से बैठूँ। बाप ने बिल्कुल टाइम से तो दोपहर में डॉक्टर साहब कितने बजे आपकी आज्ञा मैं 3 बजे ठीक रहेंगे 3 से 4 अभी आपने ट्रस्टी शब्द बात कही हमारे इसकी सेक्रेटरी है सेक्रेटरी है वो अपने बहुत बड़ा काम है उनका तो अपने चेक पर साइन में कर दे चेक साइन के लिए आपने नौकर रखा है पर हमारे इस पार्टी के चेक पर वो साइन करते हैं खुद उसको खुद करते हैं खुद के साथ नौकर करता है और इतनी निर्लेप है वो सही बात हो बहुत सुरेश जी है 20 साल से इतने निर्लेप है जब तक ऐसा नहीं हो तो महाराज संस्थाएं चल नहीं सकती ऐसे लोगों के भरोसे ही चलती है मराठन दो रास्ते सब रास्ते रोके हुए हैं दौड़ रही थी तो मैं दौड़ गया रास्ता सब रोके हुए इसकी देर लगी इनको जीवन में श्रोता बन सका तो बहुत अच्छा है वक्ता तो बन ही नहीं सका श्रोता बन गया जीवन में तो मैं भागी श्रोता बनना बात
कोठी बनाई थी मैं भी सबसे पहले पहली वाली थी 37 वर्ष पहले की बात है अपने पुरस्कार का रखा हाँ बहुत दिन से सोच ही रहे थे एक शरीर हो गया शरीर हो गया हमारे जिला पाटिल को देखते रहेंगे बहुत आप लोगों से तो सात मिनट को मोक्ष पथ में दो चार सौ बारह है ये भी है डेढ़ सौ भी ज्यादा नहीं है अक्षर उसका जो है एक एक मात्रा से माँ भी हर घंटे चल गए बहुत बढ़िया विराज पे है वहाँ तरफ वातावरण में आनंद रह मिल जाता है हिंसक बन जाता है हिंसक पशु जी लिखा है उनके बैठे थे तो चिड़ी गाय के पीछे से भाग रही बाल वो आम जाना दूर है हम तो बाल पोखना मंजिल राजा भगवान को देखने के बाद सुंदर हिंसा प्रतिष्ठान तब से मिलो वैर त्याग ज्ञानवाणों में है ना सारंगी इसमें का भाव वाओ उसमें सति वो है वो किताब दी ना आपको उसमें एक ये एक मुनि का कंपना चार्य आदि का ग्रुप एक सागर जी का और एक विष्णु कुमार जी का और तीनों में परस्पर तुलना अपने अपने पर्याय से अपने अपने दृष्टि से अपने अपने कर्तव्य से करोड़ वर्ष पहले आगरा भगवान ने तब किया था उसके अंदर ये बनाया एक ही रात थे अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था की है सुरक्षित ये यूनेस्को वाले देख रहे हैं हम जा नहीं सकते दो गए कोई दीवार बनाया उन्होंने वो मर गया फिर 10 साल के बाद दूसरे दीवार वो मर गया इसलिए बोलते साहब यहाँ बच जाओ पिशाच भूत ये था ना क्या नाम होता है दिखाने वाले गाइड गाइड ने कहा आगे मत जाओ यहाँ लोग जाता हूँ मारता फिर अब जय जय श्रद्धा से जा रहे जैन टेम्पल का अलाव भी है जैन टैग उसी को नकल लगता है कल्याण के दिल्ली में 180 मंदिर है मैंने कहा एक ज्ञान मंदिर है
अच्छा जगह काटने बहुलन जो हमारे पीछे लग गए मैं 3 महीने लगा था तो जायजा लगाने वाली गलती खत्म हो गया ये कोई होना चाहिए मेरे बेटी से लाइब्रेरी बना दी होगी फिर डॉक्टर साहब हम श्री जी भाई साहब के हाथ के फिर मिल गए लगी हुई नीचे हॉल ऊपर खेलना वहाँ डेरे पे तो अकस्मात आए जगह देखने रही जो कोई अच्छी जगह ये बोलने लगे जब लिटा दे रहे हैं तो इसमें जो कोड जो उदय में 5 करोड़ मुझे रोग का भंडार शरीरम व्याधि में निरोग और एक डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत अच्छी बात कही हमने लिखा है दारो विषाद तो साधो की शुद्ध सुंदरे भी शुद्ध सुख तो भूमि बाद में जाए शरीर को भी स्वस्थ रखो स्वास्थ्य में साथ है तो शुद्ध शुद्ध सिद्ध सुख भोगने जा रहे और शरीर को ठीक नहीं रखा तो साथ नहीं संयम से इसको भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कैसे एक दिन से कोई किसी प्रकार से नहीं पंचम जान जी थे उनको टोल कर रोटी देता था वो